Hello everyone, in this video I will be discussing the most important questions of the unit atomic structure. आज हम atomic structure के सबसे important questions देखेंगे, MCQs देखेंगे. आपको inform कर देती हूँ कि एक video atomic structure के MCQs पर मैंने already post की हुई है. आप playlist में जाइएगा BSc semester 4th की और वहाँ पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं description में उसकी link दे दूँगी. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट. किसी एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है. पहला ऑप्शन है 3n² देन 4n² देन 2n² देन 5n². तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 2n² होता है आपका फॉर्मूला किसी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए. ध्यान रखिएगा ऑर्बिट के बारे में पूछा है, अगर ऑर्बिटल पूछेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है. अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वॉज गिवन बाई. ड्यूअल नेचर जो आपका मैटर का होता है, आपने लाइट का ड्यूअल नेचर पढ़ा है कि पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, तो वो किसने दिया था. हेजनबर्ग ने, डी ब्रॉगली ने, रदरफोर्ड ने या नन. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली ने आपके ड्यूअल नेचर को प्रपोज किया था, या मतलब उसके बारे में आपको बताया था. इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ. यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन होती है जो कि होती है लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी, या फिर हम इसको लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी. पी का मतलब है आपका मोमेंटम, एच है आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, लैम्डा है आपका वेवलेंथ. अब ये जो पी होता है मोमेंटम, इसको हम खोल कर लिख सकते हैं, मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू एम वी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एम वी लिखा है. एम आपका मास है, वी आपकी वेलोसिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस. जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसके बारे में आपको बताता है. सबसे पहली चीज़, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम छोटे एन से, इस तरीके से छोटे एन से डिनोट करते हैं. अब ये हमें किसके बारे में बताता है. पहला ऑप्शन है शेप ऑफ ऑर्बिटल, देन साइज ऑफ द एटम, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ देम. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटम के साइज के बारे में ये आपको बताता है. अब जो एन की वैल्यूज होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, मतलब जो भी शेल का नंबर होगा वो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगा. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय. अब ऑप्शंस हैं आपके h अपॉन 2π अंडर रूट l l प्लस 1, देन h अपॉन 2π अंडर रूट l l प्लस 2, h अपॉन 4π अंडर रूट l l प्लस 1 एंड h अपॉन 4π अंडर रूट l l प्लस 2. इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. अब यहाँ पर जो h है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π आपका कांस्टेंट है. ये जो l है, l क्या है आपका, ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है. अब एक बात यहाँ और मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर वो आपको ये एल की टर्म्स में पूछ रहे हैं तब तो ये फार्मूला होगा. अगर वो आपको एल की टर्म्स में नहीं पूछेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का एक और फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं एम वी आर, मतलब एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स एम वी आर, और वो भी इक्वल्स होता है एन एच अपॉन 2π के, ठीक है. तो ये भी आपका एंगुलर मोमेंटम का ही फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा. देन नेक्स्ट है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल. मैंने बोला था ना ऑर्बिटल के लिए अलग फार्मूला होता है, ऑर्बिट के लिए अलग. तो ऑर्बिटल में किसी में मैक्सिमम कितने, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. पहला ऑप्शन है 4n+2 देन 4l+2, 4m+2 या 4s+2. इसका राइट ऑप्शन है 4l+2. ये l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है. तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 4l+2. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड एज. जो हमारा हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका क्या फार्मूला, क्या इक्वेशन होती है, कैसे हम उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ऑप्शन ए है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल्स टू एच बाई 4π. देन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. अब आपको ये याद रखना है कि h अपॉन 4π जहाँ भी होगा वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है. अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं. इस p की जगह मैंने अभी ऊपर भी बताया कि p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पर डेल्टा p की जगह क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v, m
डेल्टा वी, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीज़ सही हो गई, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो गलत है, वो होनी चाहिए एच अपॉन फोर पाई, ठीक है। अब ये जो आपका एच अपॉन फोर पाई है, कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा आपको एच क्रॉस भी दिया हुआ होता है, एच क्रॉस भी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो ये भी दिया हुआ होता है। अगर एच क्रॉस दिया हुआ होगा तो आपको एच अपॉन फोर पाई ना लिखकर वो क्या लिखेंगे, एच क्रॉस अपॉन टू पाई लिखेंगे, तो वो भी सही होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी प्लेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपकी जो किसी इलेक्ट्रॉन को मिलने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, आशंका है, वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, साई से, साई स्क्वायर से, साई क्यूब से, या साई साई की पावर फोर से। देन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका साई स्क्वायर। ये जो साई है त्रिशूल की फॉर्म में होता है, इसको हम एस आई करके भी लिख सकते हैं, पी एस आई करके भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हो, तो आप इसको साई भी बोल सकते हो, शाय भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं, और जो साई स्क्वायर होता है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन इज इक्वल टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, श्रोडिंगर की जो इक्वेशन होती है, अच्छा श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसके डेरिवेशन की वीडियो मैंने पोस्ट करी है थोड़े टाइम पहले, आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है 1, 2, 3 और 0। तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर 1 लगा कर आते हैं, लेकिन असल में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इक्वल्स टू 0 होती है। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल फॉर एन इक्वल्स टू 3 आर। अब यहाँ ये है एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ध्यान रखना, टोटल नंबर पूछ रहे हैं, टोटल नंबर पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता होता है कि जो L की वैल्यूज़ होती है वो 0 से लेके n माइनस 1 तक होती है, तो हम क्या करते हैं, 3 है, 3 में से एक 1 करके 2 लगा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको टोटल नंबर मतलब कितनी हो सकती हैं, टोटल कितनी हो सकती है, तो आप हमेशा याद रखना, इसका छोटा सा ट्रिक है कि अगर वो L की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पूछता है तो वो n के बराबर ही होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगर मैं इसको छोटा सा आपको डिस्क्राइब करूँ तो देखो, मतलब एक्सप्लेनेशन देती हूँ, n बराबर 3 के लिए जो L की वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 to n-1, तो क्या क्या होगा, 0 होगा और n-1 मतलब 2, तो बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अब टोटल वैल्यूज़ गिन लो कितनी आई, 1, 2, 3, 3 वैल्यूज़ आ गई ना, तो टोटल वैल्यूज़ कितनी आई, 3 आई। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ आएगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल टू, नोड्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नोड्स का मतलब होता है एक ऐसा एरिया किसी ऑर्बिटल में, किसी एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, वो होता है आपका नोड्स। तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो देखते हैं क्या है, पहला ऑप्शन है n-1, देन n-l-1, n-l-2, m-1, इसका राइट ऑप्शन है n-l-1। कभी भी वो आपसे किसी ऑर्बिटल के लिए नोड्स पूछेंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, -1 करोगे, आपका टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सिंपल सा है कि जो हमारी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो अब आप देख लो, अब 24 के लिए पहला ऑप्शन है 4s2 3d4, 4s0 3d6, 4s1 3d5, नन। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि डी में आपके मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसका हाफ फील्ड कितना हो गया, 5। कहीं हाफ फील्ड है, नहीं है, तो जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर n इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह टोटल पूछा है कि टोटल कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे ट्रिक है कि m के लिए अगर पूछेंगे तो वो n स्क्वायर के बराबर होती है, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बाकी और जो क्वेश्चन है वो आप पहली वाली वीडियो में देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू 1 ऑर्बिटल विल बी। अब देखो n इक्वल्स टू 4 का मतलब है ये जो आगे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा हमारी n के बराबर होती है, तो सारे ही ऑप्शन में आपको 4 दी हुई है। l बराबर 1 के लिए आपको क्या मिलेगा, तो हमेशा याद रखना अगर l की वैल्यू 0 है s ऑर्बिटल होगी, L की वैल्यू 1 है P ऑर्बिटल होगी, 2 है D होगी, 3 है F होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 है मतलब कि P, तो 4P, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, 4P आपका राइट ऑप्शन होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।